है वर्ल्ड वाटर डे। हर साल 22 मार्च को इसे मनाया जाता है और इस दिन के लिए एक थीम भी रखा जाता है। इस साल के लिए वर्ल्ड वाटर डे का थीम एक्सेलरेटिंग चेंज यानी परिवर्तन में तेजी है। आइए इस वीडियो के जरिए समझते हैं कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है और साथ ही पानी जिसे जीवन का आधार माना जाता है उसकी बिगड़ती हालात पर भी एक नजर डालेंगे। पानी की बर्बादी को रोकने और लोगों को इसका महत्व समझाने के मकसद से वर्ल्ड वाटर डे को मनाया जाता है। बता दें कि धरती का करीब 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3% हिस्सा ही पीने लायक है और इस 3% में से भी 2% बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है। लेकिन बुरी बात यह है कि इन स्थितियों के बाद भी लोग पानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड वाटर डे के जरिए लोगों को पानी जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना जरूरी है। तालाब, कुएं, नहर वगैरह सूखते जा रहे हैं और नदी का पानी बुरी तरह से दूषित हो गया है। बचपन से ही हम उन सभी कारणों जिनकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज बस किताबों तक ही सीमित होकर रह जाती है। असल जिंदगी में आप पानी को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर समय रहते इंसानों ने पानी की अहमियत को नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया पानी के संकट से जूझती नजर आएगी। इन्हीं हालातों को भांपते हुए दुनिया की कई नामी शख्सियतों ने भविष्य में पानी के कारण होने वाले युद्ध की भी आशंका जताई है। हो सकता है कि अगला वर्ल्ड वॉर दुनिया पानी के लिए लड़े। साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी दिन इस बात की घोषणा की गई कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा। इसके बाद साल 1993 में 22 मार्च को पहला वाटर डे मनाया गया। तब से हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया के सभी देशों के लोगों को साफ एवं सुरक्षित पानी मिले ये सुनिश्चित करवाना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। पानी के इंपॉर्टेंस के साथ ही हमें तेजी से गहराते जल संकट की वजह को भी समझना होगा, ताकि हम खुद अपने लेवल पर पानी की बर्बादी को रोक सके। इस मामले में पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो आज के समय में विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं जिसके लिए पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है और उनकी तुलना में नए पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा गया है। जल के स्रोत सूखते जा रहे हैं, नदियों को कारखानों का कचरा दूषित कर रहा है, तो वहीं ग्राउंड वाटर का स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जो सीधे सीधे भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। समय के साथ गहराते जल संकट की स्थिति को दुनिया की कई नामी शख्सियतों ने पहले ही भांप लिया था और इसको लेकर वे भविष्य में पानी को लेकर युद्ध होने की भी बात कह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6वें महासचिव बूटरस घाली ने करीब 3 दशक पहले ही ये कह दिया था कि अगर समय रहते इंसानों ने जल की महत्ता को नहीं समझा तो अगला विश्व युद्ध जल को लेकर होगा। वहीं साल 1995 में वर्ल्ड बैंक के इस्माइल सेरेग्लेडिन ने पानी के वैश्विक संकट पर कहा था कि इस शताब्दी में तेल के लिए युद्ध हुआ, लेकिन अगली शताब्दी की लड़ाई पानी के लिए होगी। इतना ही नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार अपने भाषण के दौरान लोगों को चेताते हुए कहा था कि ध्यान रहे कि आग पानी में भी लगती है और कहीं ऐसा ना हो कि अगला विश्व युद्ध पानी के मसले पर हो, इसलिए पानी की बचत करें। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।